नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर गुप्ता। आपका अपने YouTube चैनल धांसू फंडा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। 24 और 25 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। इस यात्रा में वह भारत के साथ कई आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ साथ भारतीय नेवी के लिए $3 बिलियन की रोमियो हेलीकॉप्टर के डील के समझौते पर भी हस्ताक्षर करेंगे। ध्यान रहे, अमेरिकी राष्ट्रपति किसी एक देश की स्टैंड अलोन यात्रा बहुत कम करते हैं। सामान्यतः अमेरिकी राष्ट्रपति जब भी कभी दक्षिण एशिया के दौरे पर आते थे तो भारत भी विजिट कर लेते थे। डोनाल्ड ट्रंप की अकेली भारत की यात्रा यह बताती है कि अमेरिका की नज़रों में भारत का दर्जा बहुत बढ़ गया है। अभी तक के सारे अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल में अमेरिकी विदेश विभाग भारत को साउथ एशिया के चश्मे से देखता था। इसके रणनीतिकार भारत के साथ रिश्ते को पाकिस्तान के साथ नत्थी कर देते थे। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत और इलाके में बढ़ती चीन की दादागिरी से अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। ओबामा के कार्यकाल के आखिरी दौर में भारत को साउथ एशिया के अंदर की ताकत की श्रेणी से हटाकर एशिया प्रशांत क्षेत्र के ताकतवर देशों की श्रेणी में डाल दिया और साथ साथ पाकिस्तान को भारत से अलग कर अफगानिस्तान के साथ जोड़ दिया। अमेरिकी विदेश नीति में यह इतना बड़ा यू टर्न था कि पाकिस्तान और चीन दोनों की अकल ठिकाने पर आ गई। इस बदलाव से साफ था कि अमेरिका भारत के साथ कोई भी आर्थिक या सामरिक एंगेजमेंट करेगा तो उसका बैकग्राउंड चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के देश होंगे। भारत को चीन के खिलाफ महाशक्ति बनाने का दांव अमेरिका ने चल दिया है। अब भारत को NSG का मेंबर बनाना अमेरिका का अगला लक्ष्य है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि 40 लाख अमेरिकी अप्रवासी भारतीयों के वोटों के लिए ट्रंप भारत से प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं तो उनकी छोटी समझ पे हंसी आती है। ट्रंप ने एक सच्चे अमेरिकन देशभक्त की तरह भारत की धरती से 35 करोड़ अमेरिकियों को संदेश दिया है कि 130 करोड़ वाले सफलतम लोकतंत्र देश से आर्थिक और सामरिक संबंध मजबूत कर उन्होंने एशिया में एक विश्वस्त सहयोगी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। कुछ लोगों को यह घोर आश्चर्य हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में पाकिस्तान के भी तारीफों के पुल बांधे हैं। दरअसल इस महीने के आखिर में अफगानिस्तान में अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर होने हैं। पाकिस्तान इसमें सहायक की भूमिका निभा रहा है, लेकिन अंदर खाने अफगानिस्तान में शांति पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब है। इसका कारण यह है कि अफगानिस्तान, यहाँ तक कि तालिबान भी डोरंड लाइन को पाकिस्तान की सीमा नहीं मानते हैं। वो लोग फाटा एरिया, जिसे पिछले साल पाकिस्तान ने अपने प्रांत खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बना लिया था, उसे अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। पाकिस्तान इस मुसीबत से बचने के लिए डोरंड लाइन पर जल्दी जल्दी बाड़ लगा रहा है। अमेरिकी और तालिबान शांति समझौते को नुकसान पहुँचाना और अफगानिस्तान में यथास्थिति बहाल रखना पाकिस्तान का मकसद है। उसके इसी मकसद को भागते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इसी भाषण में कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से भारत के साथ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया है। यह सीधा सीधा पाकिस्तान को चेतावनी थी, सुधर जाओ नहीं तो खैर नहीं। इस साल के आखिर में अमेरिका अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा। डोनाल्ड ट्रंप महाअभियोग से भरी होकर बेदाग बाहर आ गए हैं। अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है। अगर कोई ज़्यादा अनहोनी ना हो तो उनके दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने की संभावना बहुत अधिक है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बने अद्भुत व्यक्तिगत संबंध क्षेत्र में एक नई कहानी का इशारा कर रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे पर चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो यह दर्शाती है कि अमेरिकी भारतीय संबंध से चीन सकते में है। पाकिस्तान को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। दुनिया के शीर्ष 4 देशों में भारत की एंट्री का स्वागत कीजिए और अपने प्रधानमंत्री के अदभ्य साहस और मेहनत को धन्यवाद दीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।